हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स बीकॉम एंड बीबीए स्टूडेंट्स के लिए। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 10th है, यानी कि 9 लेक्चर हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें। इस चैनल पर प्लेलिस्ट ऑप्शन के अंदर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट के अंदर इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स की। ओके, वहाँ लेक्चर नंबर 1 से लगाकर अभी तक के आपको लेक्चर मिल जाएंगे। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए दो अप्रोचेस के बारे में पढ़ा था। उसमें एक था कार्डिनल अप्रोच और एक था ऑर्डिनल अप्रोच। कि कंज्यूमर को कंज्यूमर जो है उसको सेटिस्फेक्शन कितना मिलता है किसी भी कमोडिटी से, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है उसके पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं लिमिटेड। के पास जो भी रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है, लेकिन जो उसकी वांट्स होती है, उसकी जो इच्छाएं होती है, वो अनलिमिटेड होती है। सो कंज्यूमर हमेशा ये कोशिश करता है कि वह उन कमोडिटीज़ को यानी कि उन गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करे, उस पर अपने रिसोर्सेज को खर्च करें, उनको बाय करें, जिससे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। ओके, तो यहाँ पर दो अप्रोचेज आती है कि वो सेटिस्फेक्शन कितना होगा। तो एक थी हमारी कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये बोलती थी कि किसी कंज्यूमर को किसी गुड्स या सर्विस से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर, यानी कि उसको नंबर दिए जा सकते हैं। ओके, बट आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, क्योंकि कार्डिनल वाली हम कर चुके हैं कि कस्टमर को किसी गुड्स या सर्विस से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको यूटिल्स के अंदर मेजर किया जा सकता है, एक इमेजिनरी नंबर से मेजर किया जा सकता है। ये हमने पढ़ा था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या कहती है? ये कहती है बिल्कुल कार्डिनल का उलट। ये अप्रोच ये बोलती है इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेजर द यूटिलिटी इन मॉनिटरी टर्म। ये बोल रही है कि किसी कंज्यूमर को किसी गुड्स या सर्विस से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इसको मनी के अंदर मेजर नहीं किया जा सकता, इसको नंबर नहीं दिए जा सकते, इसको यूटिल्स के अंदर नंबर नहीं दिए जा सकते। क्योंकि हमने वैसे भी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर पढ़ा था कि वो जो नंबर दिए जाते थे वो इमेजिनरी होते थे। तो ये कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है ये बोल रही है कि उसको मेजर नहीं किया जा सकता। ओके, बट अ कंज्यूमर कैन रैंक वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ऑर्डर टू हिज प्रेफरेंस। सो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच सीधा बोलती है कि सेटिस्फेक्शन को मॉनेटरी टर्म के अंदर यानी कि नंबर्स के अंदर मेजर नहीं किया जा सकता, बट एक कंज्यूमर किस गुड्स एंड सर्विस से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो तो नहीं बता सकता, बट उनको प्रेफरेंस दे सकता है कि भाई ये जो है इससे इतना सा, ये मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड प्रेफरेंस है, ये थर्ड प्रेफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखना, इधर दोनों अप्रोच लेते हैं, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल, ठीक है, कार्डिनल अप्रोच क्या बोलती है कि भैया जैसे हम जो है एक एप्पल खाएंगे तो उससे हमें मान लेते हैं 1 एप्पल से 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और अगर हम एक बनाना ले लेंगे तो उससे जो है हमें जो है 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी कि सेटिस्फेक्शन को नंबर के अंदर मेजर किया जा सकता है, मॉनिटरी टर्म के अंदर उसको नंबर दिए जा सकते हैं, और मेजरमेंट का जो एक पैरामीटर दिया होता है वो होता है यूटिल्स। अब आ जाते हैं हम ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर। ऑर्डिनल अप्रोच ये बिल्कुल नहीं बताती कि कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट ये ज़रूर बताती है कि जो ये हमारा कंज्यूमर है ये एप्पल इसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है, बनाना इसके लिए सेकंड प्रेफरेंस है। ये बताती है कि सबसे ज़्यादा इसको सेटिस्फेक्शन किससे मिलता है, एप्पल से, उसके बाद बनाना से। हाँ, ये जो प्रेफरेंस है हर एम्प्लॉय के हिसाब से अलग अलग, हर एम्प्लॉय क्या, हर इंडिविजुअल के हिसाब से, प्रत्येक इंसान के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से अलग हो सकता है। कोई बनाना को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकता है, कोई एप्पल को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकता है, कोई इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकता है वो इनके लिए बेटर होगा।
सो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो ये सेटिस्फेक्शन को केवल प्रेफरेंस दे सकती है, वो उसको नंबर में मेजर करने के लिए मना करती है, क्योंकि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि किसी यूटिलिटी से कितना सेटिस्फेक्शन मिला। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूँ कि आपने एक रसगुल्ला खाया, बताओ आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला। अब आप नंबर कैसे दोगे, किस पैरामीटर पे नंबर दोगे? तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो यही चीज बोलती है कि नंबर देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, प्रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई देखो भाई रसगुल्ला मेरे को सबसे बढ़िया पसंद है, उसके बाद काजू कतली पसंद है, उसके बाद मावे की मिठाई पसंद है, तो आप प्रेफरेंस दे सकते हो, बट उसको उसके सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच है इसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोला जा सकता है, इसको हिक्सिन एनालिसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का जो इनोवेशन है वो किया था जे आर हिक्स एंड आर जी डी एलन ने। कब किया था याद रखना, 1934 में इन्होंने एक आर्टिकल इशू किया था, उस आर्टिकल का नाम था अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यूज। इसके अंदर उन्होंने इस ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में बताया था, और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच सीधा सीधा बोलती है कि यूटिलिटी को यानी कि सेटिस्फेक्शन को मॉनेटरी टर्म में नंबर में मेजर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, प्रिफरेंस दे सकता है कोई भी एम्प्लॉई, कोई भी पर्सन रैंक दे सकता है गुड्स एंड सर्विस को, अपने प्रिफरेंस के हिसाब से उनको रैंक दे सकता है, कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व इज रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल और टू गुड्स अमोंग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। मतलब दो गुड्स को वो अपनी रैंक के हिसाब से ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना सकता है जिस पर एवरी लेवल पर उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम लेवल का मिलेगा। वो कैसे, तो आइए इनडिफरेंस कर्व शेड्यूल एंड इनडिफरेंस कर्व मैं आपको बना के बताता हूँ। ओके, सो हम एक पेज ले लेते हैं यहाँ पर और हम एक कर्व बना देते हैं, देखना इनडिफरेंस कर्व बना देते हैं एक, ठीक है, कोई दो गुड्स ले लेते हैं और उसका मैं इनडिफरेंस कर्व बनाता हूं आपको, देखो इनडिफरेंस कर्व। लेकिन इनडिफरेंस कर्व बनाने के लिए हमको चाहिएगा सबसे पहले इनडिफरेंस शेड्यूल, कर्व का शेड्यूल चाहिए ना सबसे पहले, डिफरेंस पॉइंट का शेड्यूल चाहिए। तो शेड्यूल देखो क्या है बेटा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ एक शेड्यूल, यहाँ ले लेते हैं हम कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं हम कोई कमोडिटी ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एप्पल एंड बनाना, आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, कोई भी कमोडिटी। सबसे फर्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो ये है कि वन एप्पल एंड फाइव बनाना, एक एप्पल खा लो पांच बनाना ले लो, सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। या फिर आप बी नंबर कॉम्बिनेशन, दो एप्पल ले लो चार बनाना ले लो, यहां पर भी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, सेम। सी नंबर पे आ जाओ, थ्री एप्पल एंड थ्री बनानास, यहां पर भी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, सेम। डी कॉम्बिनेशन पे आ जाओ, भैया आपने यहाँ क्या किया, फोर एप्पल ले लिए और वन ले लिया आपका, टू ले लिए बनाना, यहाँ पर भी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, सेम होगा। ई पॉइंट पे आ जाओ, फाइव एप्पल ले लिए एंड वन बनाना, तो चाहे आप यहाँ पर देख रहे हो चाहे आप वन एप्पल एंड फाइव बनाना लो तो भी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, सेम। और अगर आप फाइव एप्पल एंड वन बनाना लेते हो तो भी सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, तो ये इन सारे कॉम्बिनेशन में कोई भी यूज कर लो, एक एम्प्लॉय को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना वो सेम मिलेगा। और इन कॉम्बिनेशन की सबसे अच्छी बात क्या है पता है, यहां पर सबसे बढ़िया जो चीज लगती है ना वो बजट कंस्टेंट रहता है, बजट कंस्टेंट। यानी कि चाहे ए कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन सी कॉम्बिनेशन डी कॉम्बिनेशन या ई कॉम्बिनेशन आपने जो बनाया है, इन सब में बजट सेम है, बजट फिक्स है, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो फिक्स है। आपके पास फॉर एग्जांपल के लिए 100 रुपी है, तो बस वो 100 रुपी आप एक्सपेंड करेंगे ए पे बी पे सी पे डी पे या ई पे, तो इससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सेम लेवल का मिलेगा।
हाँ, अब किसी के लिए ये प्रेफरेंस हो सकती है, किसी पर्सन के लिए ये प्रेफरेंस हो सकती है वो एक ही एप्पल ले, पांच बनाना ले, और किसी पर्सन के लिए ये प्रेफरेंस हो सकती है वो अपने गुड्स को ऐसे रैंक दे सकता है सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, किसी को ऐसे, किसी को ये, किसी को ये, किसी को कोई भी कॉम्बिनेशन पसंद आ सकता है, बट सबसे सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, सेम लेवल का मिलेगा। हाँ, वो सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलती है ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि उसको हम मॉनेटरी टर्म के अंदर मेजर करें, यानी कि नंबर के अंदर उसको मापे, ये इम्पॉसिबल है। बट रैंक के हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलती है। ओके, अब आइए देखो, इसका हम कर्व भी बना सकते हैं, तो चलिए हम कर्व बनाते हैं इसका, ठीक है, कर्व बनाते हैं। कर्व कैसे बनता है, सबसे पहले दो एक्सिस होते हैं, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, तो इट इज वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका जीरो। यहां पे ले लेते हैं, मान लेते हैं एप्पल, और यहां ले लेते हैं हम बनाना। ओके, सो ले लेते हैं यहां पे हम सीधा सीधा नंबर, ये हो गया हमारा वन, ये टू, थ्री, ये फोर, ये फाइव एप्पल, एंड नीचे फाइव बनाने लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। बस अब आपको क्या करना, देखो अब आपको सिंपल इनको मिलाना, देखो सबसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ए कॉम्बिनेशन कौन सा है, ए कॉम्बिनेशन में क्या है, देखो वन एप्पल फाइव बनाना, आ जाओ, वन एप्पल एंड बनाना कितने हैं फाइव, तो यहां पे आपका मार्क हो गया। सेकंड में क्या है, बी कॉम्बिनेशन क्या है, टू एप्पल्स एंड फोर बनाना, तो टू एप्पल्स एंड फोर बनाना, टू एप्पल, ये रहा एप्पल टू, और बनाना कितने फोर, तो यहां पर तो टू और यहाँ ये आ गया आपका फोर। फिर थ्री एप्पल एंड थ्री बनाना, देख लो भले आप, थ्री एप्पल सी कॉम्बिनेशन, थ्री एप्पल थ्री बनाना, सी कॉम्बिनेशन में थ्री एप्पल थ्री बनाना, थ्री थ्री, तो ये यहाँ, सॉरी। फिर आप देखेंगे डी पॉइंट पे, तो फोर एप्पल और टू बनाना, तो फोर टू, तो फोर एप्पल टू बनाना। ये बहुत इजी है, एग्जाम में अगर इसका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आती है ना, तो बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, फाइव एंड वन बिना रटे वो भी, है ना, तो फाइव एंड वन यहां पे, ठीक है। अब बस आपको इस लाइन को मिला देना है, ये लाइन जो है ना, ये आपको क्या कर देना है बेटा, मिला देना है, स्केल यूज करके इसको मिलाइएगा, ये लाइन मिल गई, ये है आपका आईसी इनडिफरेंस का। ये कभी भी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, इनडिफरेंस कर्व हमेशा इससे दूर ही रहता है, ये इनडिफरेंस कर्व है। सो ऐसे ही ये, अब मेरा जो बजट है ना, ये जो इनडिफरेंस कर्व आया ना बेटा, थोड़ा सा समझना, ये जो इनडिफरेंस कर्व आया ना IC1, ये मेरे बजट के हिसाब से, और मेरा बजट कितना बोला था मैंने, फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज के हिसाब से, तो 100 रुपीज के हिसाब से यहाँ लाइन आ रही है। अगर मैं मेरा बजट बढ़ा के 200 कर दूंगा तो हो सकता है लाइन ऊपर चली जाए यहाँ पर, अगर मेरा बजट कम हो जाएगा तो लाइन नीचे भी आ सकती है ना। हर किसी के बजट के हिसाब से अलग अलग आईसी कर्व होते हैं, इन डिफरेंस कर्व बन सकते हैं, बट अभी जो मुझे शेड्यूल में दे रखा है उस हिसाब से मेरा क्या है, ये इन डिफरेंस कर्व है। ओके, इन सब लेवल पर, ये लेवल कौन कौन सा है, देखो ये कौन सा लेवल था, ए, ये कौन सा था, बी, ये सी, ये डी या ई। अब हर पर्सन, पर पर्सन, एवरी पर्सन, कोई भी इंसान जो है अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। हाँ, बट जहां जो भी कॉम्बिनेशन वो चूज करेगा ना, वहां पर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, एकदम सेम होगा सबका, सेम सारे पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा, बट हर किसी की प्रेफरेंस अलग होती है। तो ये बोलती है हमको कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ओके, एक और चीज आती है, ये जो पूरा इंडिफरेंस कर्व काम करता है ना, वो करता है MRS के ऊपर। अब आप बोलोगे सर ये MRS क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। MRS क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट।
एमआरएस बोलते हैं, तो ये एमआरएस पे काम करती है। एमआरएस का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ओके। एमआरएस जो है ना वो ये बोलती है कि अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर वन एप्पल यूज कर रहा हूं, एयर फाइव बनाना यूज कर रहा हूं, मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन चूज कर रखा है ए वाला, अब अगर मैं बी कॉम्बिनेशन पे जाता हूं तो मुझे एप्पल का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, वन प्लस करना पड़ेगा, ओके। बट मेरा बजट 100 रुपीज है, अगर मैं एप्पल एक जो ज्यादा खरीदूंगा तो बजट गड़बड़ा जाएगा, तो मुझे वहां से बनाना को क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा। सो मैंने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि मैंने अगर ये सब्स्टिट्यूट बढ़ाया है तो इसके बदले मुझे एक चीज का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो इनके बीच में रेशियो क्या है, तो आप देख रहे हो अब इनके बीच में रेशियो क्या है, वन। ये रेशियो क्या निकला, वन, यानी कि एक और इधर बढ़ाने पर मुझे इधर कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वन का, तो वन इज टू वन आ रहा है एमआरएस। इधर एक बढ़ाने के लिए इधर भी एक, इधर एक बढ़ाने के लिए प्लस करने के लिए इधर भी एक, सो देख रहे हो आप एमआरएस क्या आ रहा है, वन 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 वन, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है, वन इज टू वन, यानी कि अगर आपको एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाना है तो उतना ही वन यूनिट का कंजम्पशन इधर बढ़ेगा तो उधर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो ये होता है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। इसके अंदर आगे जो अब हम करेंगे वो करेंगे हम बजट लाइन, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं, आपको हेल्प मिल रही है, क्योंकि बीकॉम पढ़ाने वाले बहुत कम टीचर हैं, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मैंने स्टार्ट किया है आपको कि मैं बीकॉम को पढ़ाऊँ, और बीकॉम के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फ्री वीडियोज नहीं मिल पाते हैं, तो आपका इसमें सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मेरा भी मतलब उतना मन नहीं करेगा लेक्चर्स डालने का, है ना, ये सीधी सिंपल सी बात है। अगर रिजल्ट मिलता है तो मज़ा आता है ना, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने जितने भी बीकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं, इंस्टाग्राम वगैरह है, या टेलीग्राम पे है, या फिर आपका कोई जो है फेसबुक पेज है, या अच्छा सबसे बेस्ट रहता है व्हाट्सएप, तो वहाँ पर आप इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि व्यूज़ बढ़ेंगे, कमेंट्स आएंगे, और बच्चे और डिमांड करेंगे वीडियोस की, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा जो है फटाफट लेक्चर लाने में, ठीक है ना। तो बोलते ना ताली दोनों हाथ से बजती है, सो मैं तो बिल्कुल हाथ लेके खड़ा हूँ, अब आपको बजानी है, आप कैसे बजाएंगे, ताल से ताल कैसे मिलाएंगे, शेयर कीजिए भैया, व्यूज़ बढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। मैं और भी सब्जेक्ट की स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, ओके, आपकी हेल्प के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।